वेलकम टू अ ब्रांड एपिसोड ऑफ टीजी टॉक्स जैसे आपको लास्ट वीडियो याद है वी स्पोक विद विशाल विशाल ने अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी हमारे सामने रखी ही टोल्ड अस कि कैसे वो एक छोटे से फ्लैट में एक कॉल सेंटर की जॉब से धक्के खाते हुए जाते थे वहाँ से ही यू नो ही हैज़ ओन ऑफिस ए ग्रेंज रोवका इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल फॉर लॉर्ड ऑफ आस जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और इसी दौरान इन्होंने कॉल सेंटर की जॉब में काफ़ी दारू पी पी के नशे की लत कर करके अपनी बॉडी ख़राब कर ली थी एंड ही ट्रांसफॉर्म्ड इन अ मैटर ऑफ थ्री टू फोर ईयर्स कैसे उन्होंने ट्रांसफॉर्म करा क्या उनकी फिटनेस जर्नी थी उसके लिए विशाल पास इसलिए आए हुए बिकॉज आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर कि इन्हीं का वीडियो है इसका पार्ट टू है बट इन्होंने जिन्होंने इन्होंने इनको ट्रांसफॉर्म किया आई हैव दैट पर्सन विद हिम विच इज़ यश है भाई सो yeah. so यश वेलकम बैक अगर आपको याद में अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैंने यश का इंटरव्यू करा था करीब एक साल पहले डेढ़ yes, yes. एक साल पहले जब यश की पतले हुआ करते थे उनकी दाढ़ी नहीं हुआ करती थी है और अलग जिम में हुआ करते थे राइट बट अब कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर न्यू रोल भाई यू डूइंग सो वेल और सबसे बड़ी बात मैं यश को इसलिए लिखा हूँ मेरे ख्याल से अगर इंडिया में जितने भी अच्छे नॉलेजेबल ट्रेनर्स होंगे उसमें से मैं यश को सबसे मेरे ख्याल से ना टॉप थ्री में रेकमेंड करूँगा बिकॉज मैं सबसे मिला नहीं हूँ अभी तक दैस वेज ए टॉप थ्री तो कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत ही से कहते हैं ना अच्छी नॉलेज इन डेप्थ नॉलेज और सबसे बड़ी बात ही डजेंट लाइक टू मिस गाइड पीपल सो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं फिटनेस को ले कुछ भी लेके आई थिंक और मैं कह सकता हूँ आपको मुझसे बेटर नॉलेज इनकी है बिकॉज मैंने आपको हमेशा कहता हूँ आई एम नॉट अ ट्रेनर और अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं सिर्फ बेसिक्स बताता हूँ बिकॉज मैंने सर्टिफिकेशन करी बट जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होती है ना वो पीपल लाइक यश डू दिस सो यश इज़ योर गो टू मैन बट एनी वेज सब तो तुम्हारी तारीफ़ होगी भाई पैसे बाद में के देना ठीक है ना सो अब yes. मुझे बताओ विशाल आपके पास आए जी बिल्कुल मतलब कि मेरी बॉडी ऐसी है सब कुछ ऐसी है और ये मुझे उन्होंने बात बताई थी लास्ट टाइम कि यार मुझे यश फोन करते थे कि भाई तो क्यों नहीं आ रहा जिम में राइट तो मतलब क्या हर क्लाइंट के साथ करते हैं विशाल की शक्ल पसंद, तो तो पसंद आ गई थी आपको के साथ नहीं एक स्पार्क था अलग मुझे दिखा मुझे याद है कि दो में एक पतला सा लड़का मेरे पास आया कुछ अड़सठ सत्तर किलो का वेट था इनका कि भैया बॉडी बिल्डिंग करनी है पेट निकला हुआ मैं पेट निकला था मैं ओके बहुत लोग आते हैं ठीक है मैं चलो स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग स्टार्ट करी सब कुछ करा हमारे इसमें क्या होता है जिम्स में क्या होता है कि बहुत लोग आते हैं और हफ्ते के अंदर गायब भी हो जाते हैं जैसी बॉडी सोरनेस आपको होती दर्द होते तो आधे लोग निकल जाते हैं उसमें से तो कुछ लोग बचते हैं चलो इस लड़के को थोड़ा सा आया थोड़ा दिखा अब मैं यार इस लड़के को चेक करना पड़ेगा कि ये सिर्फ बोल रहा है करना चाहता है मैंने तीन महीने इसको चेक करा कि बॉस कुछ नहीं बताऊँगा ठीक है जर्नल चलते रहो ठीक है क्या सेम रिस्पेक्ट रहेगी अभी भी क्या सेम वही स्पार्क मिले है तीन महीने बाद भी सब कुछ है तीन महीने इसको चेक करा कि ये करना चाहता है कहीं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं होता नहीं भैया मेरा नहीं हो रहा मैं कुछ नहीं बहुत लोग होते हैं एक डेढ़ महीने में ना भाग जाते हैं कि भैया है, रिस्पॉन्स नहीं आया एप्स नहीं निकले साइज नहीं बड़ा मसल साइज का एक महीना हो गया मुझे मेरा भूल रहे ना आठ साल भाई ने एक चुल मिटाने के लिए इतनी स्ट्रगल करीब भूल गए थे शायद आपको शायद पता नहीं होगा गया उस टाइम नहीं मैं सीरियसली थी बात होती भी नहीं थी अब तक एक नॉर्मल क्लाइंट थे वो स्टार्टिंग में, में मेरे लिए ऐसा कुछ नहीं था जनरली हर किस क्लाइंट से हम पूछते हैं वो हिस्ट्री क्या रही है एक सिंपल सा लड़का मेरे पास आया था सब कुछ है धीरे 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 तीन महीने बीत गए लिखा लड़का कुछ करना चाहता है इसको अपने पास बुलाया अब बताओ क्या करना चाहते हो सीरियसली क्लियर मुझे बताओ करना क्या चाहते हो कि भैया बॉडी बनानी है मैं ब्रदर बॉडी बनानी है एक वर्ड बहुत छोटा है बट इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है कितना डिसिप्लिन लगता है क्योंकि मैं आपको एक से डेढ़ घंटा ही ट्रेन कर सकता हूं बाकी के बीस बाईस घंटे खुद पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है सीरियसली जिम में ट्रेनिंग करना आसान है उन 20 बाईस घंटों का कंट्रोल बहुत मुश्किल है और डिसिप्लिन बहुत मुश्किल है और वही एक्चुअली तो ट्रेनिंग है वही एक्चुअली ट्रेनिंग है फर्स्ट ईयर पहली सीढ़ी बॉडी बिल्डिंग की वही है डाइट आप डाइट कर सो इसको समझाया नहीं भैया मैं करूँगा मैं चलो देखते हैं स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे स्टार्ट करा सब कुछ करा इनको बिठाया इनकी हिस्ट्री पूछी सबसे पहले तो किसी क्लाइंट को ट्रेन करने से पहले ना उसकी हिस्ट्री पता करनी पड़ती है कि उसकी मेंटल लेवल स्ट्रेस कितना है क्या है क्योंकि अगर वो मेंटली स्ट्रेस में होगा तो बॉडी आप सबको पता है रिस्पॉन्स देगी नहीं समझा इसका लाइफ क्या है ये कितने बजे सोता है कितने बजे जागता है सब कुछ कम्प्लीट क्या खाना पसंद है इसको क्या अवेलेबल है इसने मुझे सब कुछ बताया कि भैया दो से तीन डिब्बी सिगरेट डेली पीता हूँ बस डिब्बी पूरी फुल बस बस <laughs> मैंने भी नहीं भैया बस अच्छा मैं वो मैं अंदर से भाई मुश्किल है भाई अब थोड़ा काम करना पड़ेगा <coughs> फिर आगे भैया तीन से चार दिन मैं ड्रिंक भी करता हूँ ओके okay, बताओ आगे मैं सुनना चाहता हूँ <laughs> फिर भैया ये भी यूज़ करता हूँ ये भी यूज़ करता हूँ यूज मैं वेरी गुड भाई मैं कुछ छोड़ा है करा नहीं भैया मैं कुछ करना है जी भैया मैं चलो कर सकते हैं फिर स्टार्ट फिर इस बॉडी को समझा पहचाना एक एक स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं थी स्टेमिना बिल्कुल नहीं था स्टार्टिंग में तो आप मानेंगे कि पहले दिन अगर मैं इसको रनिंग कराने लेकर भी गया ना पार्क में ठीक है उस दिन ट्रेडमिल वगैरह कुछ इशू था तो मैं चलो पार्क चलते रनिंग करा एक राउंड था मैं टाइमर लेकर खड़ा हुआ सब कुछ है आधे राउंड के बाद लड़का गायब मेरे को दिखाई नहीं दे रहा कहाँ पर है अब यार पता नहीं कहाँ चला गया मैं देखने गया हूँ तो एक जगह छुप कर बैठा हुआ है सांस फूली हुई है भैया भागा नहीं जा रहा चलो अच्छी बात है वहाँ सिगरेट नहीं पी रहा था सिगरेट नहीं पी रहा छुप कर बैठो भैया नहीं भागा जाएगा मेरे से नहीं होगा मैं चलो तो ऐसी कंडीशन दी धीरे 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 काम करना स्टार्ट करा सब कुछ कहा चलो मैं फिर उसको समझाया कि मैं आपको गाइड करूँगा सब कुछ का एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा बट जिस भी दिन अगर आप सिगरेट पीते हो कुछ भी मुझे जरूर बता देना इवन आप ड्रिंक भी करते हो तो मुझे बता देना ताकि मैं उसी हिसाब से कैलकुलेट कर पाऊँ सारा आपकी डाइट आपकी ट्रेनिंग आपकी अगर आप किसी दिन सोए नहीं हो तो मुझे आकर बताना मैं ट्रेनिंग में लोड आपको ज़्यादा नहीं दूंगा ठीक है सुबह से कुछ आपने खाया नहीं है तो मुझे आपको बताना मुझे पता है आपकी कैलरीज कम है पूरे दिन की तो मैं ट्रेनिंग उसी हिसाब से डिजाइन करूँगा तो इस हिसाब से हम धीरे 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 और एक हमने आदत बना ली हम डेली इसकी ट्रेनिंग्स को लिखा करते थे लिखना क्या कि अगर आपने चार सेट लिए हैं तो चार सेट में कितने रैप उसमें कितनी हेल्प कितने बजे आपने ट्रेनिंग स्टार्ट करी कितने बजे आपने ख़त्म करी कितनी बार आपने छुट्टी ली कितनी बार मैंने छुट्टी ली सब कुछ नोट करते रहे तो आपने एक जर्नल बनाया पूरा बिल्कुल जर्नल बनाया और वो आज तक हम फॉलो करते हैं चार साल में हम लगातार लिख रहे हैं हमारे पास पूरा डेटा है कि आप कितने दिन आपने छुट्टी ली कब आपका उससे काफ़ी चीज़ें में फ़ायदा मिला कि हम जब भी कोई नया सप्लीमेंट के ऊपर यूज़ करते थे या तो डाइट में मैक्रोस में चेंजेस करते थे कुछ भी करते थे तो रिजल्ट हमें तुरंत वहाँ स्टेट से पता लग जाता था मीन्स अगर मैं इनका काब अगर मैं बढ़ा रहा हूँ मैक्रोस में मैंने काब इनका एड कराया कुछ भी करा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वो डायरी मेरे को बता देती थी अगर मैं कोई सप्लीमेंट यूज़ कर रहा हूँ कुछ है वो गलती से मेरे देखिए देखिएगा आपको पता है सप्लीमेंट असली नकली दोनों आते हैं ठीक है पहचानना बहुत मुश्किल होता है अगर कोई ऐसा सप्लीमेंट आ गया जो शायद नकली है हमारे हाथ में गलत सप्लीमेंट आ गया हम यूज़ कर रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा वो जनरल मेरे को बताया था वाह सब कुछ नोट हम करते थे हेल्प उसमें और लगातार फिर क्या होता है जैसे एक डेढ़ महीने में आपको बताया कि एक डेढ़ महीने में क्लाइंट रिजल्ट मांगता है कि भैया साइज़ नहीं बढ़ा मसल साइज़ भी नहीं बढ़ा तो फिर हम दो महीने पुराने या वो पेजेस खोलते थे जर्नल फॉलो कर रहे थे तो, तो फिर कहाँ से भाई वहाँ से जब ये जर्नल मेंटेन होना शुरू किया तो कहाँ से आपको लगा बिकॉज इनके एडिक्शन भी थे बिल्कुल तो कहाँ से वो एडिक्शन खत्म हुए और कहाँ से इनकी बॉडी ग्रो करना शुरू हुई देखिए ग्रो करना वो जर्नल हमें बताता चला गया पहले दिन आपने लिया कुछ फाइव के का बेंच प्रेस ठीक है फिर दो तीन महीने बाद उसने आप उसको दस के पर आ गए पंद्रह के पर मसल मास बढ़ता चला गया हम लगातार नोट कर रहे थे एक वन आर एम फॉर्मूला होता है काफ़ी लोगों को पता होगा जिससे हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस मसल की स्ट्रेंथ कितनी है अगर मुझे 10 रैप इनको देने हैं तो 10 रैप के लिए कितना वेट होना चाहिए क्योंकि अगर मैंने सही वेट कैलकुलेट कर पाया तो ना मैं ट्रेनिंग को लाइट होने दूंगा और ना मैं ट्रेनिंग को हैवी होने दूंगा क्योंकि अगर वो लाइट हो गई तो अगर मैं एक हफ्ते में एक बार एक मसल को ट्रेन करता हूँ तो पूरे महीने में सिर्फ चार बार कर रहा हूँ तो आप इनको हैवी करा रहे तो ना मैं लड़कों को ना बहुत सिंपलीफाई करना चाहता हूँ आपके थ्रू बिकॉज आपकी नॉलेज इतनी है ना तो सम्हाओ जो जो सत्रह अठारह साल का लड़का आपको देख रहे हैं ना वो कहेगा यार मैं जनरल कैसे मेंटेन करूँ तो टेक्निकली उन्हें सबसे पहला क्या काम करना है जो भी कर रहे हैं लिखें लिखें सबसे पहली बात राइट दूसरी बात अपना वन आर जाने की उनकी स्ट्रेंथ कितनी है वन आर इज़ नथिंग अगर आप सौ किलो उठाते हो दस किलो उठाते हो अगर आप कितने ऐसे रेपिटेशन हैं किसी हैवी वेट के साथ जो आप छः से आठ बिना सपोर्ट के कर सकते हो अगर आप सौ किलो में छः रेपिटेशन या सात रेपिटेशन निकाल रहे हो

में तो आप वेट से ज्यादा होगा मैं इनको एक बात कहता था कि वेट अगर दिखाना है तो मसल्स को दिखाइए वालों को मत दिखाइए आप कितनी बेंच मार रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी मसल्स पर लोड ही नहीं गया लिफ्टिंग मत करो ईगो लिफ्टिंग मत करो कोई फायदा नहीं होता आप हेल्प लेकर एक्स्ट्रा वेट लिफ्ट कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो आप घर जाके बड़ा प्राउड फील करते हो आज मैंने हंड्रेड के की बेंच मारी बट असलियत आपको पता है वो थर्टी के भी आपके चेस्ट पर नहीं गया था तो सेल्फ करना मतलब ये कहना सेल्फ करिएगा इस सेल्फ करने से क्या होता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लगती है इंजरीज की पॉसिबिलिटी कम होती है देखिए इस गेम में ना इंजरीज को खत्म नहीं करा जा सकता इंजरीज आएंगी बड़े से बड़ा प्लेयर आप देख लीजिए हर किसी को इंजरीज आप कम कर सकते हो खत्म नहीं कर सकते तो ये चीज़ आपकी इंजरीज को कम करेगी और जितना आपकी आपके करियर में इंजरीज़ कम होंगी उतना सक्सेसफुल रहेंगे बहुत बढ़िया बात बोली इन्होंने तो आपने नाम सुना होगा बॉबी सिंह बॉबी ये जो सिक्स टेन मिस्टर वर्ल्ड है गुवाहाटी के मेरे ख्याल से फोटी सेवन ईयर्स के हैं और ज़बरदस्त फिजिक है इफ़ यू हैवन सीन हेम डू चेक हिम आउट राइट तो मैं उनका आई एव डन अ शो विद है मैंने उनको बुलाया भी है वी मेटेम इन गोहाटी और मैं उनको ना ट्रेनिंग करते देखा तो आप सोचोगे कि अरे मिस्टर वर्ल्ड है बड़े हैवी वेट उठाते होंगे शोर शराबा मचाते होंगे वेट ठा जैसे आपको यूट्यूब के वीडियोज़ में दिखता है राइट right? बड़े बड़े लोग वेट चला रहे राइट right? वो आधे घंटे से ट्रेनिंग कर रहे थे और कोई शोर नहीं कुछ नहीं तो मैंने बोला कहाँ है बॉबी सिंह बॉबी भैया क्या बॉबी भाई तो ट्रेनिंग कर रहे हैं और आप यकीन मानिए पाँच किलो डंबल के साथ दस किलो डंबल के साथ ट्वेंटी फाइव एक एक फील करके वही बात मुझे बोली उन्होंने वो बोला उन्होंने कि तरुण भाई मैं जो एक कर रहा हूँ ना ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ और मैं एक एक रेपिटेशन पे अपने मसल को स्टिमुलेट कर रहा हूँ अगर मैं ऊपर भी लेके जा रहा हूँ मैं वही चीज़ हिट कर रहा हूँ मुझे सौ किलो नहीं उठाना है और इंजरी करनी है तभी मैं ऐसे सिक्स टाइम मिस्टर वर्ल्ड नहीं बन गया हूँ मैं इसलिए बना बिकॉज मैं इंजरी फ्री रहता हूँ और वेच उतने उठाता हूँ जितने मेरी मसल झेल सके और स्टिमुलेट कर सके बिल्कुल देखिए अपनी लिमिट्स को पुश करना है क्रॉस नहीं करना लिमिट्स नो डाउट आपको कंफर्ट जोन ब्रेक करना है तभी बड़ा डेवलप होगी बट इतना मत करिए कि वो दोबारा बन ना पाए मसल इतनी मसल पर हिट मत करिए कि वो इंजर्ड हो जाए तो हैवी वेट ना करें उतना वेट करें जितना आपकी बॉडी उठा पाए सॉरी uh, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा वो करूँगा वेट हैवी या लाइट नहीं होता आप कितना रैप ले रहे हैं उसके हिसाब से क्या वेट है देखिए आप रो, रो, रो बीस रैप अगर लेंगे तो ऑब्वियस बात है दस रैप्स के कम्पेटिवली वेट लाइट होगा करेक्ट आप अगर 20 रैप अभी ले रहे हैं और आपको 8 रैप लेने हैं तो आपका वेट हैवी हो जाएगा तो हैवी लाइट कुछ वर्ड नहीं होता आप ये समझिए कि आपके रैप्स कितने हैं आपके ट्रेनर ने टारगेट रैप क्या दिया है आपका उसके अकॉर्डिंगली जज करना है कि मैं दस रैप अगर निकालता हूँ तो दस रैप तक पहुँचने में मेरे एफर्ट्स पूरे लग जाएँ वो गुड थाट ये तो वेट्स की बात होगी जी फिर डाइट में क्या चेंजेस करें हमने डाइट में मैंने इनको समझाया कि बॉस टाइट कुछ भी नहीं है तीन चीज़ों पर कंट्रोल करना सीख सीखिए सबसे पहली इसको मैं फॉर्मूला हमारा अपना फॉर्मूला है इसको हम कहते हैं क्यू टी टी क्यूटिटी hmm. मिस होता है क्वांटिटी ऑफ फूड अच्छा है या बुरा है क्वांटिटी पकड़ कर चलिए कितनी क्वांटिटी मुझे खाना है देन टाइप ऑफ फूड टाइप ऑफ फूड का मतलब है कि बॉस बॉयल चिकन में भी प्रोटीन है और बटर चिकन में भी प्रोटीन है बट दोनों टाइप ऑफ फूड अलग है ठीक है देन टाइम फॉर फूड आप किसी भी वक्त कुछ नहीं खा सकते ठीक है hmm. आप अगर दोपहर को तीन चार या चार बजे या पाँच बजे उठ रहे हैं और आप बोलिए मेरा ब्रेकफास्ट खा रहा हूँ मैं तो नहीं ये गलत है आपको हर चीज़ का टाइम मैनेज करना पड़ेगा आपको ट्रेनिंग भी करनी है तो टाइम सेट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी बुरी बॉडी उसी रूटीन में बन जाती है आप कभी सुबह कर रहे हैं कभी शाम कर रहे हैं तो नहीं ये नहीं हो पाएगा आपको कुछ फिक्स करना पड़ेगा कि मुझे इसी टाइम वर्कआउट करना है क्योंकि आपकी बॉडी की जो बायोलॉजिकल क्लॉक सॉरी बायोलॉजिकल क्लॉक एक सेट होती है उसके हिसाब से आपको अपना रूटीन बनाना पड़ेगा वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आप कहना चाह रहे हो अगर आप सुबह ट्रेनिंग करते हो शाम को ट्रेनिंग करते हो एक पैटर्न बना लो कि उसी टाइम ही आपको ट्रेन, ट्रेन करना है क्योंकि ट्रेनर्स को डाइट डिजाइन करनी पड़ती है आप कभी आप शाम को ट्रेनिंग करते हो और फिर आप अगले दिन सुबह आके ट्रेनिंग कर ले अगले उसके एक दिन छोड़कर सुबह आके ट्रेनिंग कर गए बहुत से समझना पड़ेगा कि अगर आप वेट लिफ्ट कर रहे हो और आप सुबह छह बजे मेरे पास आ गए हो तो आपकी बॉडी पिछले दस बारह घंटे से भूखी है क्योंकि लास्ट मील उसने रात को दस बजे ली थी या ग्यारह बजे ली थी और सुबह पिछले दस घंटे से भूखे रहकर आप सुबह वेट लिफ्ट करने आ गए हो Wow. So, बहुत तो बहुत इंटरेस्टिंग पड़ेगा है आप चेंज मत करिए एक ही पैटर्न रखिए करिए क्योंकि हमें आपका डाइट उसी हिसाब से डिजाइन करना पड़ता है क्योंकि वेट अगर आप लिफ्ट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में कैलोरीज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी कितनी कैलोरीज ट्रेनिंग से पहले डालनी है कितनी ट्रेनिंग के बाद डालनी है अब ये तो गई डाइट की बात हमने कर ली ट्रेनिंग की बात कर ली अब वट अबाउट सप्लीमेंटेशन सप्लीमेंटेशन कौन कौन से सप्लीमेंटेशन कौन कौन से देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने भी सुना है आप सबने सुबह कौन सा सप्लीमेंट यूज़ करें कि बॉडी हमारी फट के बाहर निकलेगी कोई है ऐसा वैसे ऐसा <laughs> कोई मुझे तो लगा नहीं देखिए सप्लीमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है सप्लीमेंट वर्ड का अगर आप गूगल करेंगे अगर आप गूगल करते हैं डाइटरी सप्लीमेंट तो आपको हिंदी में उसका मतलब मिलता है खाद्य पूरक मीन्स खाने में जो कमी रह गई है उसको पूरा करने वाली चीज़ को सप्लीमेंट कहा जाता है तो सप्लीमेंट हम वही चलाएंगे जिसके जरूरत इनके शरीर को है अगर मेरे मैं अगर डाइट में से इनके वाइटमिन कंप्लीट पूरे करा रहा हूँ तो मुझे मल्टी वाइटमिनस की जरूरत क्यों है समझ रहे अगर मैं प्रोटीन इनका पूरा करा रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत क्यों है तो इनको कौन कौन से सप्लीमेंट दिया आपने विशाल को, सर पूरे दिन की डाइट डिजाइन होती है उस डाइट में देखा जाता है माइक्रोज माइक्रोज में क्या क्या कमी रहेगी सैंपल डाइट तो बताओ एक सैंपल डाइट प्रोटीन बी ठीक है अगर मुझे लग रहा है जॉइंट्स पर ज्यादा लोड जा रहा है तो फिर ग्लूटामाइन ऐड करते हैं हम लोग फिश ऑयल तो अगर तो तो मुझे लग रहा है एच पी प्रतिशत प्रोटीन सलमान के फैन लग रहे हो प्रतिशत हाँ, प्रतिशत बड़ा अच्छा लगता है ऐसे बोलते हैं और

आपको तो, तो आप यश को मैसेज करिए मैं डाल आपका टेलीफोन नंबर डालू लो कि मुझे मिलना भी है तो मैं आपको मिलूंगा जनकपुरी दी वेलनेस क्लब अगर तो आप एड्रेस डाल दूंगा आपका आप सोच नंबर डाल दिया तो सोच सकते हो क्या होने वाला चर, है ये हम हैं इसीलिए हम चाहते हैं कि लोगों को हमको सिखा सके चलो मैं डाल रहा हूँ फिर आप मुझे ये ना बोलो कि सर आपने मेरे नंबर पर भी आपने डाला था बहुत सपोर्ट मुझे मिला बहुत लोग मेरे पास आए पूरे इंडिया से मुझे कॉल्स आती थी, थी वो, बल्कि टोरंटो से भी कॉल आती थी, थी मुझे वहाँ भी मैंने दी थी कोई इशू नहीं है सर लोग अगर सीखना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे परफेक्ट एट्स अ गुड थाट अच्छा तेत तो और कोई ऐसे बेसिक सप्लीमेंट जो आपको लगा कि विशाल ले सकता है बिकॉज ही वो एन अल्कोहल एक सारी चीज़ें ले रहा था तो आपने पहले वो बंद करवाया या सीधा सप्लीमेंट्स बंद नहीं कराया देखिए मैंने इसे क्या बोला कि अगर आप दिन की दस सिगरेट पीते हैं तो डायरेक्ट दस सिगरेट छोड़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मैंने उनको बोला पहले नौ सिगरेट्स पर आई है फिर आठ फिर इस तरीके से क्योंकि मुझे पता था कि अगर इसको बॉडी बिल्डिंग का नशा लग गया तो ये उस नशे को छोड़ देगा जिस दिन शीशे में पहली बार आपको बॉडी में चेंजेस दिखाई देते हैं ना सब कुछ भूल जाते ये तो अब शीशा छोड़ते ही नहीं भाई हमारे अब ये शीशा नहीं छोड़ता एक्चुअली तो एक्चुअली हम वीडियो कर रहे थे तो साथ में शीशा था तो हमने बहुत कोशिश करी कि विशाल शीशे में ना देखे भाई लेकिन बार बार ऐसे मतलब नजर तो चली जाती इज अ गुड थिंग आपने नशे तो छोड़ा विच इज अ गुड थिंग और अब बात करते हैं जो सबका फेवरेट सब्जेक्ट है भाई एनाबोलिक्स तो अब इसमें एनाबोलिक्स का क्या रोल रहा है एस यू एंड यश आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट ठीक है ना ये ऑनस्ट रहेगा ठीक है ना बिल्कुल देखिए हम ये नहीं बोलेंगे नेचुरल बॉडी है ऐसा कुछ नहीं सब कुछ देखिए एनाबॉलिक्स की ज़रूरत पड़ती है एक स्टेज आता है जहाँ बॉडी में एक जेनेटिक लिमिटेशन आ जाती है ठीक है मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं मैं आपके प्लेट्यू ब्रेक कर सकता हूँ आपको पुश कर सकता हूँ कि बॉडी नेक्स्ट लेवल पर जाए हाइपरट्रॉफी रुक जाती है तो उसके बाद हम स्ट्रेंथ पर आते हैं फिर मसल पावर पर आते हैं फिर एंडोरेंस पर आते हैं बट एक टाइम आता है कि जब जेनेटिक लिमिटेशन आ गई बॉडी रुक गई है बॉस अब क्या बॉडी का वो जो टेस्टो हो है उसको कुछ बाहर से आउटसोर्स हेल्प चाहिए तो तब जाके इनकी बॉडी पर स्टार्ट करा जाता है एनाबॉलिक्स का स्टैग्स और उस टाइम भी ये मेरा मानना है मेरा तरीका है कि जब भी मैं कोई स्टैग देता हूँ लड़के पहले से बताता हूँ बॉस ये सिम्टम्स हैं अगर कभी कोई प्रॉब्लम होगी तो ये सिम्टम्स होंगे मुझे कॉल कर देना यू मीन साइड इफेक्ट्स हाँ साइड इफेक्ट के कोई भी सिम्टम्स वगैरह कुछ भी होंगे इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट दोनों, दोनों एक साथ साथ दोनों हर चीज में क्लियरलीम्पैक्ट ऐसा होगा नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी नाउ घर जाओ गूगल कर लो अपनी मन की पूरी शांति बना लो उसके बाद करेंगे आप पहले इनको बोलता था कि बॉस ये चलाएंगे पढ़ लो तैयार हो तो फिर बताना देखो फायदा नुकसान ये होगा नुकसान में अगर ये सिम्टम्स आएंगे मुझे कॉल कर देना इवन कई बार क्या होता था इनकी बॉडी को क्लेन सूट नहीं करती ठीक है हाफ क्लान में इनको घबराहट होनी शुरू हो जाती थी तो अभी जब पीछे हमने रिड्यूसिंग करी थोड़ा क्लैन का हमने डोसेज स्टार्ट करी तो हाफ क्लैन मेरे आदत है कि कोई भी नया शोट में स्टार्ट करता हूँ तो थोड़ा सा माइल्ड उस पर करता हूँ ठीक है मैंने उनको हाफ वो दी तो इनकी रात को दस बजे मेरे पास कॉल आगे भैया कि सर घबराहट हो रही है क्या बात कर करें भाई कोक लेता था सब कुछ लेता था सर कुछ भी सूट नहीं करता था बट ये अब नहीं सूट करा तो नहीं करा ह्यूमन बॉडी बॉडी ये क्या है दुनिया की सबसे मुश्किल मशीन कहा जाता है इसको उसका कुछ पता नहीं है करेक्ट है इसका कुछ नहीं पता ह्यूमन बॉडी का मैं पिछले छह सात साल से लगातार जहां से मुझे कुछ नॉलेज मिलती है मैं पढ़ता रहता हूँ पढ़ता रहता हूँ मुझे अभी भी ह्यूमन बॉडी पूरी तरीके से समझ में नहीं आ रही आ भी नहीं सकते हम किसी को किसी नहीं को नहीं, नहीं आ सकती किसी को भी नहीं आ सकती मैं सेम चीज किसी और पर चलाता हूँ तो वहाँ रिजल्ट अलग है so, सो मेरे ख्याल से ह्यूमन बॉडी इज लाइक वेमन आप जितना मर्जी समझने की कोशिश करो सीरियसली बिल्कुल समझ नहीं आ सकती वो <laughs> आपको पता है क्या आपको आगे समझ बूम <laughs> एक झटका मिल जाएगा आपको राइट राइट अ जोक गाइस आई हैव ब्यूटीफुल वाइफ सिटिंग हियर घर जाना भाई हां <laughs> <laughs> हां तो फिर हमने स्टैक स्टार्ट करते हैं लिमिटेड होते हैं कि भाई इतने ही दिन चलाना है इससे ज्यादा मैं नहीं चलाऊंगा ठीक है अब क्या होता है कि जब आप कोई भी ये बंद करते हो साइकिल तो बॉडी में आते हैं विड्रॉल सिम्टम्स मींस जब तक आप पाँच सौ सी की बाइक पर बैठते हो ना तो स्पीड बहुत मज़ेदार लगती है जब वो पाँच सौ सी का इंजन छोटा होता है आप आते हो डेढ़ सौ सी की बाइक पर तो स्पीड उतनी मिलती नहीं है फिर आप घबराते हो कि भैया वो स्पीड नहीं मिल रही बट आपको समझना चाहिए बॉस जब तक आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा टस्सोसाउंड हम लोड कर रहे हैं कुछ भी करें ताकत एक अलग फील होगी आपको सब कुछ होगा जब वो चीज़ हटेगी तो बट ऑब्वियस विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे उतनी ताकत नहीं लगेगी सब कुछ होगा तो आपको समझना उस टाइम पर क्या चीज़ आपका सपोर्ट करेगी वो करेगी कि नेचुरली आपने कितना ट्रेन करा है अपने आप को आपका बेस कितना है अगर आपका बेस स्ट्रांग है विदाउट रॉइड्स अगर आपने अच्छी ट्रेनिंग करी है सब कुछ करा है तो उतना विड्रॉल सिम्टम्स नहीं आएंगे बॉडी उतनी नीचे नहीं गिरेगी नेचुरली आपने कितना अच्छा अपनी स्ट्रेंथ पे काम करा स्ट्रेंथ पर काम करा है सीरियसली बहुत ही डीप पॉइंट है आपको मैं हमेशा इसलिए बोलता रहता हूँ कि आप नेचुरल लोग सवाल करते हैं कि भाई आप नेचुरल कितना टाइम रहना चाहिए शुरू करना चाहिए तो आप जितना ज्यादा नेचुरल अपना बेस बिल्ड करेंगे ना जब भी आप कभी साइकिल करें ना करें दैट्स अ पर्सनल चॉइस मैं तो हमेशा मना करता हूँ अगर आप करें भी गाइडेंस में करें तो जो विड्रॉल सिम्टम्स होंगे या जो ऑफ साइकिल जाते हैं ना कई लोग तो बिल्कुल क्रैश कर जाते हैं खत्म सर करते हैं क्योंकि एक तो साइंटिफिकली मतलब साइंटिफिकली कि एक तो ये होता है कि बॉस प्लेट्यू ब्रेक करना नहीं आता पेशेंस खो देते हैं लोग समझ में नहीं आता कि यार साइज नहीं बढ़ रहा अब क्या करूँ तभी एक आता है ट्रेनर कहीं से करना है प्लेटू इज द स्टेज जहाँ पे बॉडी आके रिस्पॉन्स देना बंद कर बंद कर दे देती दे मैं सब कुछ वो स्टेज ट्रेनिंग कर, कर रहा हूँ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो वहाँ पर ट्रेनिंग्स को चेंज करा कर जाता है वेरिएशन दी जाती है हम एनाबॉलिक्स डाल देते हैं एनाबॉलिक्स हाँ, डाल देते हैं है। बहुत कम से कम 10 से 12 ट्रेनिंग से आप प्लेटू ब्रेक कर सकते हैं और वो कौन सी ट्रेनिंग है वो आप सीधा यश से पूछेगा बिकॉज क्या होता है कि

जर्नल अडोप्टेसन सिंड्रोम इसको कहा जाता है जिसमें ना कुछ भी नया करते हो तो शुरू में शौक लगता है कुछ भी आप कर लीजिए आप कितने बड़े प्लेयर हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितना बॉडी बिल्डिंग करते हैं कुछ भी करते हैं आप एक बार घर जाके काम करके देख लीजिए आपकी मदद करती हैं आपकी पूरी बॉडी में पेन होने लग जाएगा क्यों कभी आपने इस एंगल से बॉडी को ट्रेंड नहीं करा तो कुछ भी नया करोगे बॉडी एकदम रिस्पॉन्स करती है एकदम शॉक में आती है दर्द करती है तो वही चीज़ है कि आप को वेरिएशन देनी है अगर आपकी ट्रेनिंग में अगर आपको लग रहा है प्लेटू फील हो गया तो चेंज करिए क्यों आप हमेशा इंक्रीजिंग मोड वाली ट्रेनिंग करते हैं मीन्स कि वेट बढ़ाते चले जाते हैं कभी वेट को कम करके ट्रेनिंग करिए ना बहुत टेक्निकल चीज़ें नहीं है बहुत बेसिक्स हैं हम एनाबोलिक्स जाने की बजाय ना अगर हम ट्रेनिंग डाइट के साथ मेनिपुलेट करें और आपको क्या जानना है हमको रिपोर्ट यशस नंबर मैं यश का नंबर डाल डालूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कॉल हिम अंडरस्टैंड वो तुम्हारे ऊपर यश कि तुम कितने कॉल उठा पाओगे उस दिन बट से मिलने आए के आप के मिलने के भी आ, भी आ, आ सकते हैं वेलनेस जिम क्लब इन स्पा जो जनकपुरी में मैं एड्रेस डाल दूँगा आप आइए यश से मिलिए सारी बातें क्लैरिफाई करिए बिकॉज आइडिया इस आप मैं चाहता मैं हूँ यार अच्छे ट्रेनर्स के पास जाएंगे वो आपको अच्छी बातें बताएंगे और आप चीज़ों से दूर रहेंगे गाइज तो आई होप आपको इससे कुछ समझ आएगा विशाल का ट्रेनिंग पैटर्न सब कुछ बिकॉज ये वीडियो सिर्फ यश ही कर सकता था बिकॉज विशाल अपना पर्सपेक्टिव देते बट जिन्होंने इनको ट्रेन करा जिन्होंने इनको गाइड करा कहते ना एक चैनलाइज करी इनकी सारी एनर्जी वो, वो यश ही थे तो यश थैंक यू सो मच भाई अगर हम बातें करनी शुरू करें तो इसके मेरे ख्याल से इसलिए मैं कह रहा हूँ आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे खुशी होगी अगर आप यहाँ पर आगे मुझसे पूछेंगे क्योंकि मैट बैठ कर आपको समझा सकता हूँ कॉल्स पर उतना समझाया नहीं जाए और ये ऐसी चीज़ें कि ये जनरल नहीं है कई चीज़ें ऐसी जो जनरल नहीं हो सकती है को वीडियो के थ्रू बता दी जाए वो एक्चुअली वेरी स्पेसिफ़िक्स हो जाती हैं जो आप फ़ोन करिए और इनसे जानिए सो आई होप आपको विशाल ने इंस्पायर करा होगा काफ़ी आपको यश ने भी काफ़ी इंस्पायर करा होगा सो दैट्स द आइडिया ऑफ दिस चैनल सो डू टेल मी कि आप कैसे लगे आपको यश yes, इनकी ट्रेनिंग करने की कैसे लगी और हाँ विशाल एज अ बॉय जो जिसे कहते हैं ना हु इज़ इंस्पायरिंग नॉट मेनी पीपल और विशाल का गोल ये है कि ही वांट्स टू इंस्पायर ईच एंड एवरी वन आप सबको इंस्पायर करना चाहते हैं और अपनी स्टोरी सबके सामने रखना चाहते हैं एंड हमारा काम है उनको फेमस करना हमारा काम है उनसे मोटिवेट होकर सबको बताना है विशाल कैन डू दिस आप भी कर सकते हैं सो आई होप इससे आपको कुछ समझ आया होगा अब मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में